तिब्बत को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही। दरअसल तिब्बत के लोगों ने चीन के अत्याचार के खिलाफ अमेरिका से लेकर लंदन, ऑस्ट्रिया से लेकर भारत तक विरोध प्रदर्शन किया। भारत के हिमाचल में भी चीन को उसकी औकात तिब्बतियों ने बखूबी दिखाई और चीनी सेना चोर है के नारे भी लगाए। और जैसे ही चीनियों को ये दिखा वैसे ही उसे मिर्ची लग गई। दुनिया भर में अपने खिलाफ हुए प्रदर्शनों पर चीन का बड़ा बयान सामने आया। भारत में चीनी दूतावास के प्रवक्ता वांग ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर विरोध प्रदर्शनों के लिए गुस्सा जाहिर करते हुए इन लोगों को एजेंडे के तहत प्रदर्शन करने वाला बताया। वांग ने कहा कि तथाकथित तिब्बती निर्वासी सरकार तिब्बती स्वतंत्रता को आगे बढ़ाने के एजेंडे के साथ एक पूर्ण अलगाववादी राजनीतिक समूह है। ये पूरी तरह से चीन के संविधान और कानूनों का उल्लंघन करने वाला एक अवैध संगठन है। इसे दुनिया के किसी भी देश की ओर से मान्यता नहीं दी गई। ऐसे संगठन के बयान अफवाहें फैलाते रहते हैं और तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश करते रहते हैं। चीन में अलगाववाद पैदा करने का उनका ये विफल प्रयास है। शिजांग यानी तिब्बत प्राचीन काल से ही चीन का अभिन्न अंग रहा है। आज के समय में शिजांग के आर्थिक विकास, स्थिरता, जाति एकजुटता, धार्मिक सद्भाव, सांस्कृतिक जीवन शक्ति को संरक्षित किया जा रहा। उसके पारिस्थितिक, पर्यावरण और जीवन स्तर में सुधार हो रहा। शिजांग स्वायत्त क्षेत्र के सभी जाति समूहों के लोग चीन के केंद्र सरकार और क्षेत्रीय सरकार की नीतियों का खुले दिल से समर्थन करते हैं। भारत का नाम लिए बिना वांग ने कहा कि कुछ देश और मीडिया को शिजांग से संबंधित मुद्दों के बहाने चीन के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करना होता है। इसे बंद कर देना चाहिए और तिब्बती स्वतंत्रता की बात करने वाली ताकतों को चीन विरोधी अलगाववादी गतिविधियों में शामिल होने के लिए कोई समर्थन नहीं देना चाहिए। तो ये बयान था चीन का, जिसमें ये साफ झलक रहा कि चीन दूसरों की जमीन को अपना बताने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। चीन इसलिए भी गुस्से में है क्योंकि वियना में तिब्बती प्रवासी के सदस्यों ने वियना में चीनी दूतावास के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। चीन द्वारा तिब्बत पर कब्जे को लेकर अपनी आवाज उठाने के लिए तिब्बत प्रवासी बड़ी संख्या में आए और 65वें तिब्बती राष्ट्रीय विद्रोह दिवस मनाया गया। एक आधिकारिक बयान के अनुसार लगभग 200 प्रदर्शनकारियों ने तिब्बती झंडे और पोस्टर ले रखे थे, जिसमें तिब्बत में चीन द्वारा किए गए अत्याचारों और नरसंहार कार्यों को उजागर किया गया था। इस विरोध प्रदर्शन के दौरान उन्होंने तिब्बत तिब्बतियों का है, दलाई लामा अमर रहे, तिब्बत कभी चीन का हिस्सा नहीं था और चीन को तिब्बत छोड़ देना चाहिए जैसे नारे लगाए। खैर कुछ भी हो, लेकिन देखना तो ये होगा कि चीन के इस बयान के बाद किस तरह से दुनिया तिब्बत के लोगों की मदद करेगी और उनको आजादी दिलाएगी। आपका क्या कुछ कहना है? भारत को उसमें हस्तक्षेप करना चाहिए या फिर नहीं? कमेंट कर जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।